अरेरा कॉलोनी भोपाल में गुजरात की एक फर्म के कलेक्शन एजेंट से पुलिस बनकर 20 लाख रुपए लूटने के मामले में हबीबगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने राजगढ़ ब्यावरा हाईवे पर सोनकच टोल प्लाजा के पास से सटीक सूचना के आधार पर दो आरोपियों को घेराबंदी कर उनके कब्जे से रुपए जब्त कर लिए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ हैदराबाद की एक ट्रेवल्स गाड़ी से लूटना कबूल किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस आयुक्त जोन वन साई कृष्णा थोटा ने बताया कि 17 मई को 1100 क्वार्टर के हनुमान मंदिर के पास हुई इस वारदात में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ बुधवार को FIR दर्ज की थी। मामला गंभीर होने के चलते पुलिस ने वाहन मालिक से संपर्क किया था, साथ ही हबीबगंज क्षेत्र के आसपास के होटल चेक करने पर पुलिस को सुराग लगा कि सभी आरोपी हैदराबाद क्षेत्र से हैं। साथ ही दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस अन्य चार आरोपी और बचे हुए 8 लाख रुपए की जब्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जो गाड़ियां एंट्री क्या कर रही है और आगे की जा रही है? मॉडिफाइड गाड़ियों में स्पेशली जो साइलेंसर्स के संबंध में जो ट्रैफिक ने कार्रवाई करी है, और जो CP सर ने रिसेंटली 144 का आदेश भी निकाला है, हमारे पास 31/5 को एक कंप्लेनेंट आए थे जिन्होंने बताया था कि उनके कुछ साथी हैं जो कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश लेकर जा रहे थे और किसी से मिलने जा रहे थे कुछ और कैश कलेक्ट करने के लिए। तो जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने इनको अपनी गाड़ी में बैठा दिया और उसके बाद इनके साथ झूमा झटकी करी, इनके पैसे रख लिए और उसके बाद गाड़ी से इनको लगभग 10 किलोमीटर दूर भोपाल के आउटर में छोड़ दिया गया। तो ये संज्ञान में आने पर इसमें मुकदमा कायम किया गया। तो ये क्लियर हुआ कि कुछ आरोपी हैं जो हवाला ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको किसी बहानेवश बुलाते हैं, उसके बाद उनके पास से अगर उनके पास कुछ पैसा आया तो वो लेके रख लेते हैं। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी रहा, आरोपियों को पकड़ा गया तो उसके आगे ये कहानी खुल के आई कि ये जो आरोपियों का गैंग है ये हैदराबाद बेस्ड है। ये लोग IPL सट्टा जो है वो खेलते थे और खेलने के दौरान इनको पता चला कि जो सट्टे का अमाउंट है, जो क्रेडिट अमाउंट है, वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने संपर्क किया जो संचालन करते हैं IPL सट्टे का, उन लोगों को उन्होंने इनको बताया कि अगर 1-2 लाख इस टाइप का अगर आपको करना है तो उसके लिए नॉर्मल कैश, मतलब नॉर्मल अकाउंट ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं लेते हैं, इसके लिए हमको कैश में पैसा चाहिए और आप हवाला के माध्यम से हमको पैसा भेजो। इन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी ईजाद किया कि ये इस तरीके से हवाला के जो ऑपरेटर्स हैं उनको बुलाते थे ये कहने के लिए कि हमको आपको पैसा देना है किसी जगह पर भेजने के लिए, और जब वो पैसा आ जाता है इनके पास, तो जब वो व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके पास जो भी पैसा होता वो ये लोग लेके रखते थे। इस तरीके से ये लोग जो है धोखाधड़ी करते हैं उनके साथ। और दूसरा तरीका ये था कि यदि कोई इस टाइप के लोग उनके पास पहुँचे पर पहले से उनके पास कैश नहीं है तो ये उनको बोलते थे कि आपका जो दूसरे एंड पे यूजर है उनको बोलिए कि आपको पैसा मिल गया है और हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।